तो हाय गाइस, दिस इज नाशित और आप सुन रहे हैं नाशित अनफिल्टर्ड। और आज लास्ट दिन है और उसके बाद से मैं फिर विमिल्डन में रोज आऊंगा पॉडकास्ट करने। तो आप लोग इरिटेट नहीं होइएगा और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये सिर्फ क्लिक बेट मैं डाल रहा था उतना दिन से ये पॉडकास्ट है। तो रॉजर फेडरर कल जीत गया 10वां बार, हाला जीत गया और एक तरीके से उसने एक वार्निंग भेज दी है नोवैक को और राफा को कि रॉजर इन फॉर्म एंड ही इज इन टाउन टू विन हिज 9th विमिल्डन टाइटल। और बैजल 10 बार हाला जीत गया है, मोस्ट टूर्नामेंट मतलब टाइटल फेडरर के बारे में 10 बार जीत गया हाला। बैजल उसका जो होम टूर्नामेंट है 9 बार जीता है, विमिल्डन 8 बार, दुबई 8 बार, सिनसिनाटी 7 बार। और दूसरा प्लेयर बन गया है राफेल नडाल, 11 बार जीत चुका है मोंटी कार्लो और बार्सोलोना और 12 बार पिछले महीने जीता फ्रेंच ओपन। तो काफ़ी अमेजिंग, अब क्या बोला जाए, एकदम काफ़ी मज़ा आ रहा है। और ये तो हाला की बात हो गई, और क्या बताएं। मैच में फर्स्ट सेट थोड़ा कम्पिटिटिव था जो टाई ब्रेक गया, जिसमें टाई ब्रेक में अपना प्लेइंग के तरीके से मतलब फॉर्म थोड़ा और अच्छा किया, थोड़ा लेवल और बढ़ाया रॉजर फेडरर ने टाई ब्रेक में और 7-2 टाई ब्रेक जीत गया। और उसके बाद से सेकेंड सेट में तो गोफैन कुछ खेल नहीं पा रहा था, तो 6-1 से रॉजर फेडरर जीत गया आराम से। 1 घंटे 20 मिनट में मैच ख़त्म हो गया था, तो काफ़ी लंबा बहुत ज़्यादा मैच ऐसा नहीं किया, आराम से मैच जीत गया। और मेन बात हुई, पहला दो न्यूज़ मेरे दिमाग में है तो बता देते हैं। पहला, मार्को बगदादिस जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2006 में पहुंचा था, रॉजर फेडरर से हारा था फाइनल में, वो विमिल्डन में उसको वाइल्ड कार्ड मिला है और उसके बाद से वो संन्यास ले लेगा, मतलब रिटायरमेंट ले लेगा। और एक न्यूज़ है कि एश बार्टी जो बर्मिंघम में चल रहा था, जैसे क्वींस चल रहा था लंदन में, उसी के साथ बर्मिंघम में ग्रास कोर्ट मतलब लेडीज़ में चलता है, तो वहाँ टूर्नामेंट होता है बर्मिंघम, तो वहाँ एश बार्टी जीत गई और वो न्यू वर्ल्ड नंबर 1 हो गई। तो हमको मतलब अमेजिंग बात है, पहला बात की 2-3 साल पहले वो क्रिकेट खेलती थी, टेनिस से उसने एक तरीके से थोड़ा हॉलीडे पे गई हुई थी टेनिस से, मतलब बोल रही थी कि अभी टेनिस खेलने का मन नहीं कर रहा है। और देखिए 2 साल बाद स्टार्ट किया डबल्स खेलने में, क्योंकि उसको स्टार्टिंग में मज़ा आ रहा था डबल्स में, उसके बाद सिंगल्स में आया और 1-1.5 साल में वर्ल्ड नंबर 1। तो काफ़ी अमेजिंग, काफ़ी ऑलराउंड उसका गेम है। और ग्रास पर तो फ्रेंच ओपन कैसे जीत गई, और मतलब ऐसा नहीं है कि फ्रेंच ओपन उसका क्ले पर गेम ख़राब है, लेकिन ग्रास कोर्ट तो उसके लिए और अच्छा, उसके गेम के लिए और अच्छा है। तो मे बी हमको तो लग रहा है ही इज़ शी इज़ फेवरेट फॉर विमिल्डन ऑल्सो। तो बात हो गई, अब बात करते हैं लास्ट क्वींस के बारे में। तो क्वींस में लोपेज ने डबल डबल कर दिया, डबल्स जीत गया वो मेंस का एंडी मरे के साथ, और सिंगल्स जीत गया जील सिमोन को हरा के। तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग मैच था फाइनल, जो सिंगल वाला मैच था वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग मैच था। थर्ड सेट 3 सेट गया, जिसमें सेकेंड सेट और थर्ड सेट दोनों टाई ब्रेक था। और जील सिमोन का टूर्नामेंट में जितना भी मैचेस खेला है, मतलब सेकेंड राउंड मैच था उसका केविन एंडरसन के साथ, वो भी 3 सेट गया था, और उसके बाद से क्वार्टर फाइनल भी था आपको निकोलस महू के साथ, वो भी 3 सेट गया था, उसके बाद मेडवेडेव के साथ सेमीफाइनल था, वो भी 3 सेट गया था। तो मतलब उसके मेंटल एटीट्यूड ऐसा नहीं है कि वो इतना दिन से खेल रहा है तो वो बहुत ज़्यादा थक गया होगा, फिजिकली नहीं, मेंटली वो 3 सेट मैच जीतना और क्वींस जैसे मतलब एक तरीके से प्रेस्टिजियस जगह पे इतना ज़्यादा प्रेशर है। और ऐसा भी नहीं है कि वो यंग, बहुत ज़्यादा यंग है कि ही गॉट नथिंग टू लूज़। तो वर्ल्ड टॉप 5 में भी शायद आया है कभी, और टॉप 10 में तो आया है हमको याद है, और उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था और उसने काफ़ी अच्छा मैच खेला। लेकिन फिलिपियानो लोपेज का दिन था, तो 2017 में भी जीता था फिलिपियानो लोपेज, 2018 में चिलिज जीता था क्वींस, और फिर 2019 में फिलिपियानो लोपेज जीत गया। और जीतने के बाद उसके जो फ्यूचर वाइफ है फ्यांसे जो बोलते हैं उसको, तो उसने बोला कि अब तो तुमको यकीन हो गया होगा कि मैं ठीक ठाक टेनिस प्लेयर हूँ। तो और डबल्स खेलने वक्त एंडी मरे जब सर्व अच्छा नहीं कर रहा था तो वो बोल रहा था कम ऑन एंडी, कम ऑन, यू कैन डू इट। मतलब बहुत ज़्यादा अमेजिंग, मतलब पर्सनालिटी भी उसकी बाहर आ रही थी। और हम लोग मतलब आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन वो मैड्रिड जो म्यूचुआ मैड्रिड ओपन होता है क्ले कोर्ट पे में, वो जो नडाल 8 बार जीता है, वो उस टूर्नामेंट का
फिलिपियानो लोपेज टूर्नामेंट डायरेक्टर भी है, तो उसने ये भी सोच लिया है कि वो रिटायरमेंट के बाद क्या करेगा। 37 का है, मेरे ख्याल से विमिल्डन में कुछ अच्छा परफॉर्म करेगा, या आई डोंट नो मे बी म्यूचुआ ओपन अगले साल जीत भी जाए टूर्नामेंट डायरेक्टर होते हुए भी। तो इस तरह मतलब इसी तरीके का उसको सपना आता होगा कि ये ऐसा हो जाएगा तो फिर संन्यास ले लेंगे। लेकिन फिजिकली काफ़ी फिट है और ऐसा नहीं है, और लगातार 3 मैच खेला उसने। कल मतलब सेमीफाइनल पूरा नहीं हो पाया था, उसके बाद से फिर सिंगल्स खेला, उसके बाद से डबल्स फाइनल भी खेला, तो इट्स लाइक अमेजिंग। ऐसा मतलब ऐसा नहीं लग रहा है जैसे रॉजर फेडरर और ये दोनों साथ के हैं, एक ही ईयर में मतलब बर्थ हुआ है। ऐसा नहीं है कि इन लोगों को फिजिकली, इन लोगों को मोटिवेशन और क्या बोलते हैं मतलब खेलने का मन होना चाहिए, और चुनिंदा चुनिंदा जो जो जगह ये खेलना चाहते हैं वहीं खेलना चाहिए, तब इन लोगों का करियर और ज़्यादा लंबा जा सकता है। जैसे रॉजर फेडर विम्बल्डन के बाद एक ही दो हार्ड कोर्ट खेलेगा, उसके बाद से यूएस ओपन, तो फिर लेवर कप। तो विम्बल्डन के बाद मेरे ख्याल से दो कनाडा में एक होता है और एक सिनसिनाटी, एक ये दोनों खेलेगा, और रॉजर्स कप बोलते हैं उसको कनाडा वाले को, और उसके बाद से फिर लेवर कप, मे बी नहीं, उसके बाद से फिर यूएस ओपन, उसके बाद से फाइनल्स, नीटो फाइनल्स, तो 4-5 और टूर्नामेंट खेलेगा। तो इसी वजह से चुनिंदा चुनिंदा ऐसे फिलिपियानो लोपेज जो अभी 250 होने वाला है उसमें भी इसका ड्रॉ में नाम है, तो अब क्या पता। मेरे ख्याल से तो ये बोल रहा था कि इंटरव्यू में कि ड्रॉ में नाम है तो है, लेकिन अभी हम जीत गए हैं, पहले ही से ड्रॉ में नाम दे दिया था, ये डबल्स और सिंगल्स टाइटल क्वींस का जीत गए हैं, तो थोड़ा सेटिस्फैक्शन है और थोड़ा इंजॉय करेंगे, और आज रात में डिसाइड करेंगे कि वहाँ खेलना है कि नहीं खेलना है। मेरे ख्याल से इसको थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, और विम्बल्डन में अच्छा परफॉर्म कर सकता है क्योंकि सीडेड होगा नहीं। 50 अभी तो उसकी 100 रैंकिंग थी, वाइल्ड कार्ड था यहाँ क्वींस में, तो अभी 53 या 60 के बीच में होगा, तो अनसीडेड किसी के साथ भी खेल सकता है, तो डेंजरस भी है। और एक बात चल रही है कि निक क्यूरियोस भी सीडेड नहीं है, तो निक क्यूरियोस को काफ़ी ज़्यादा डेंजरस माना जाता है खास करके ग्रास में, और अगर उसका कोई अच्छे प्लेयर से मैच हो जाता है विम्बल्डन में तो वो और अच्छा परफॉर्म करने लगता है। तो बस यही सब कहना था आज, काफ़ी ज़्यादा मतलब आज कहने के लिए नहीं है मेरे पास कुछ, लेकिन जो कहना था कह दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, अब मिलते हैं विम्बल्डन में, और मैं कोशिश करूंगा कि यूट्यूब पे और किस दूसरे तरीके की वीडियोस, आई थिंक बाइक्स, बहुत सारी बाइक्स हैं मेरे दिमाग में जिनके जिनको अभी टेस्ट करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट। पीस, टेक केयर, बी हेल्दी।